अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान अगेन। आपका दोस्त हैश। और सीन ये है कि इस्लामाबाद में जो है वो हम, मैंने आपको बताया था नाश्ता वगैरह हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब दूसरा सीन ये है कि हमारी गाड़ियाँ अभी तक नहीं आई, वो आएंगी ऑलमोस्ट 4 बजे तक तकरीबन। तो 4 बजे तक जब तक गाड़ियाँ नहीं आ रही तब तक हमने ना ये एक जो है ना हैवी बाइक लिए दोस्त से, यहाँ पर हमारे दोस्तों से हैवी बाइक ली हमने। इस हैवी बाइक के ऊपर हम जा रहे हैं इस्लामाबाद का पूरा टूर करने के लिए। हम इस्लामाबाद पे शक्करपिड़ियाँ और दामन को फैसल मस्जिद और बहुत सारे नाम बताए हैं अमर भाई ने, मुझे नाम याद नहीं रहे। तो वो सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं अभी और जाएंगे इस हैवी बाइक के ऊपर और आपको फिर दिखाते हैं मज़े से क्या ट्रिप होता है। और 4 बजे अपनी गाड़ी आ जाएंगी तो फिर हम अपनी गाड़ी लेने जाएंगे और गाड़ी लेने के बाद और फिर हम जो है ना वो फिर और टूर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए जो है वो इस्लामाबाद विज़िट करते हैं। आज का पूरा दिन इस्लामाबाद लगाएंगे, 4 बजे तक हमारे पास टाइम है तो गाड़ी हमारी 4 बजे आएंगी। ठीक है। हाँ तो भाइयों, नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं दामन को, पीर सोहा और 2-3 जगह और है वहाँ पे, देखते हैं क्या है। अभी फिलहाल ये रास्ता वहाँ पे जा रहे हैं हम, पीर सोहा, दामन को और एक जगह और है, वहाँ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आगे कितना एंजॉयमेंट होने वाला है हमारा या कितना नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त हैवी बाइक पर है और हैवी बाइक के ऊपर बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। गर्मी ही है बट जो है वो जोश में गर्मी का पता नहीं चल रहा है। अब चलते हैं पीर सोहा। भाई ये देखें, ये रास्ता जा रहा है दामन कोह की तरफ और पहाड़ों की खूबसूरती देखें, बहुत ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और हम मस्ती में हो गया ये कि बताते हैं हम आपको मस्ती में क्या। भाई सीन ऐसा है कि जब सफ़र पे निकलते हैं ना तो मस्ती में कुछ ना कुछ नए और बड़े बड़े सीन होते रहते हैं। इस वक्त हम दामन कोह वाले रास्ते पर हैं और सीन हो गया ये कि हम आए थे हैवी बाइक पर, हैवी बाइक मतलब 70 cc, क्योंकि आप, मैंने बताया आपको हमारी बाइक मिलेंगी हमें 4 बजे, तो हमने सोचा टाइम ज़ाया नहीं करें तो हमने एक हैवी बाइक ले ली थी दोस्त से यहाँ पर। और हमने गलती से फैसल मस्जिद के बाद दामन कोह वाला सीन बना लिया। अब दामन कोह वाला सीन बना तो लिया, अब 70 की निकल गई हमारी वाली, 70 की निकल गई जान, आई डोंट नो कि क्या मसला था। लेकिन अब हम कर रहा हूँ ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग करते करते मैं आ गया हूँ आते हिल रस्ते पर। रस्ते हैं ऐसे हिल वाले, तो हिल वाले रस्तों की वजह से 70 तो नहीं चढ़ रही थी, तो 70 नहीं चढ़ रही थी। तो हम अब ट्रैकिंग करते करते आधा रास्ता मैं इस तरह से कर रहा हूँ, बाकी अभी वो ज़रा एक सवाले को छोड़कर आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे अपनी बाइक के ऊपर, क्योंकि रास्ता जो है ना वो इस तरह का है। दो बंदे तो इजीली जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन तीसरा बंदा ना 70 के ऊपर, उसकी जान निकल रही थी 70 की और ये हमारा लॉक जो हो चुका है ख़राब। तो अभी हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ पर पहाड़ों के नीचे ट्रैकिंग करते करते। मज़ा तो बहुत आ रहा है ट्रैवलिंग में, मज़ा एडवेंचर ना हो मज़ा ही नहीं आता। तो भाई वेट कर रहे हैं अभी अमर का, वो आ जाए तो फिर मैं आगे निकलूँगा बाइक पर, जब तक के लिए जाना बस। हाँ भाई, अमर भाई आ गए हैं मुझे लेने वापस और अब हम जा रहे हैं। रास्ता आप देख रहे हो और व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे व्यूज़ हैं यहाँ पर। हम यहाँ दिखाते हैं आपको बंदर और भाई ये दामन कोह के जो बंदर दिखाते हैं ना भाई, तो ये रहे माशाल्लाह खूबसूरत हैं और ये जो है ना उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं। और चलते हैं अंदर
लेकिन बस डर लग रहा है बहुत कि जो ना हमला भी सुना ये कर देते हैं। तो ये देखें ये बैठा हुआ है एक बंदा, और ये बंदर बैठा हुआ है, एक वो टॉप पे बैठा हुआ है, एक बोरा ऊपर, और ये सब जो है वो आज़ाद हैं बिल्कुल। और ये देखें ये अपने बेबी, छोटा बेबी भी है इसके साथ, ये देखें ये छोटा बेबी भी है और ये इसके साथ सामान लेने आ रहा है। ये दामन एक हो के बंदर है भाई, ये देखें बहुत ही जो है ना वो खूबसूरत लग रहे हैं भाई, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है भाई मुझे। ये लुक 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 ये इसका बेबी है इसके साथ भाई, और और ये इतना ज़्यादा क्राउड लग गया है, देखें आना शुरू हो गए हैं, उनको बिस्किट बिस्किट खिलाना शुरू किया है। ये बिस्किट अंगूठी छठे अंगूठी भाई दामन गो पे देखा आपने बंदर वाले साइड, यहाँ पर जो है वो ये बहुत सारे मंकीज हैं जो लोग इनको चीज़ें दे रहे हैं, और ये अपने बेबी के साथ भी है। तो आपको ये ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी लटके में वो भी बैठा हुआ है टॉप पे, और यहाँ पर तो बहुत सारे हैं लोग लुक दे रहे, एक दो तीन चार पाँच छोटे, और ये बहुत छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं इनके, और ये बिल्कुल आज़ाद है। और मेरा बहुत मन है मैं ऊपर जाके ट्रैकिंग करूं, बट आई डोंट नो, ये मोबाइल वाइल भी छीन के ले जाते हैं भाई समटाइम, ऐसा भी होता है, दिखाया जाए वीडियो में बहुत सारी जगह। तो फिलहाल ये देखें ये अपनी बेबीज़ के साथ कैच किए गए विकेट दिए, ये सारे ये अपनी बेबीज़ के साथ हैं सब यार, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मनाजिर है, बहुत खूबसूरत मनाजिर है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा यार, आगे भी मतलब देखो कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं। तो फिलहाल तो ये एक पॉइंट, और इस एक पॉइंट के बाद आगे जो है वो तलहार भी है, और भी बहुत सारी जगहें हैं जो हमने सोचा है कि शायद हम विज़िट करें, लेकिन ये दामन एको का जो पॉइंट बंद है ना, तो इसकी वजह से अब हमारा आगे जाने का थोड़ा सा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, कि हम और मज़ीद ऊपर मनाल की साइड नहीं जाएंगे, हम यहाँ से वापस निकलते हैं। और ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ यार, ये बड़ा मज़ा आया देख कर मुझे, तो आप लोग भी देखो और बहुत सारे बंदरों पीछे वाले, ये आगे वाले को नहीं समझ, पीछे हैं बहुत सारे, और इनका थोड़ा सा एक हाथ क्लोजअप और लेते हैं और फिर हम चलते हैं।